जहांगीर, जहांगीर रोजा नहीं रखना, जहांगीर शेरी का टाइम हो रहा है। जहांगीर, जहांगीर, ओ भाई जहांगीर शेरी का टाइम हो रहा है बेटा, जल्दी उठो। शाबाश, जल्दी आओ मेरा बेटा, शाबाश जल्दी उठ जाओ, शेरी करनी है मेरे बच्चे को, शाबाश जल्दी उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अभी ये जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है ना, ये पहली सहरी से स्टार्ट हुआ था और रात को अचानक एकदम से ऐलान हुआ, तो बस ये था कि तैयारी जो है वैसे तो मुकम्मल थी, लेकिन वो होता है ना कि मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर नहीं होते, तो बस कुछ ऐसा था। लेकिन ये कि अल्लाह पाक बस खुशियों के साथ ये पूरा माह रमज़ान जो है हमारा गुजारे और हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब की इबादत कर सकें। तो बस ये है कि बच्चों के, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो बच्चे रात में सो गए थे क्योंकि पेपर था उनका, तो सुबह से उठे हुए थे, वरना अक्सर जो है सहरी में बच्चे हमारे सोते नहीं हैं। हर साल और यही हो रहा होता है कि पूरी रात जो है रौनक लगी रहती है और फिर फजर पढ़ के जो है ना उसके बाद ही सब सोते हैं। लेकिन इस बार जो है ना थोड़ी सी रूटीन हटके हो रही है एग्ज़ाम्स की वजह से, और फाइनल एग्ज़ाम से तो ज़्यादा जो है बर्डनाइज हुए हैं बच्चे ना। ठीक है, अभी शुरू के रोज़े तो हमारे अभी ऐसे ही गुजरेंगे, बच्चों की जो है रूटीन बना के रखनी पड़ेगी। बाकी उसके बाद जो है ना ये कि फिर रिलैक्स हो जाएंगे बच्चे भी और फिर हम भी, क्योंकि बच्चे स्कूल जो है फिर वो बंद हो जाएंगे, फिर देखते हैं कि न्यू सेशन कब से स्टार्ट होता है। तो खैर अभी ये कि शहरी का जो है ना मैंने सबसे मालूम कर लिया था कि भाई किस किस को क्या क्या खाना है, क्योंकि सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। तो मैं तो खैर अंडा नहीं खाऊंगी, मैं जो है ना आज कबाब का सैंडविच बना के खाऊंगी, और चाय जो है ना वो आज हमारे किसी को भी नहीं पीनी। तो खैर ये एक अच्छा हो रहा था, आ जाओ खुद ही बना लो। एक तो इतनी तुम लोग वो करते हो ना बीच में, आओ खुद बनाओ, चलो अब तुम खुद बनाओ, आ जाओ आ जाओ, बनाओ बनाओ। क्या क्या मसाले होंगे? नमक, हाँ तो वो मैं भी डाल रही थी, मगर बीच में बहुत बोलना है। अब बनाओ खुद ही, वैसे भी शहरी में तो टाइम नहीं होता। अब रोजाना खुद ही बनाओगे अपना अंडा बेटा? ओके हाँ ओके। पहली शहरी है ना, अभी कुमार दादा चढ़ा हुआ है, अभी कल सोए पड़े हो। हाँ चढ़ा हुआ है। तो अच्छा एक काम करना, अंडे के हाथ से जो ना पराठे बना देना। कल तो सोए हुए ही होंगे ना, पेपर होगा। हाँ तुम्हारे पेपर कितने बजे रह गए? मंडे को खत्म। मैं अपना कबाब बना रही हूँ, खाना है तो बता दो मुझे, सही डालना, ज्यादा ज्यादा मत भर देना। बस मैं कबाब एक बना रही हूँ, मुझे बता दे आप खा रहे। जहांगीर अंडा बनाने वाला शायद। बस और कुछ नहीं, मैं तो दिल नहीं कर रहा पराठे वराठे खाने में, मैं तुम भी ब्रेड खा रहे हो? चलो आज जो है ना पहली सहरी पे हमारे साथ बड़ा कोई अजीब सा सीन हुआ और बड़ा कोई मजाइया सा था। उस वक्त तो खैर काफी टेंशन हो गई थी, लेकिन बाद में हंस के जो है ना हमारा बुरा हाल हो गया था। और वो क्या हुआ था कि हमारे जो है ना आज सहरी का टाइम जो स्टार्ट हुआ था ना, वो 4:05 के बाद से स्टार्ट हुआ था, और मैंने जो है ना सबको 2:45 उठा दिया था, और 3:30 तक जो ना हम लोग सहरी करके अपने फ्री भी हो गए। और जब हम सहरी करके फ्री हुए ना, तो वहाँ पे ऐलान जब होना शुरू हुआ मस्जिद का, तो हम समझे कि शायद टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन वो सहरी ख़त्म होने का नहीं, सहरी जो है वो शुरू होने का टाइम था। तो आज बस ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, कभी भी ज़िंदगी में इस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन ऐसा जो है कभी कभार हो जाता है। और पूरी सहरी जो है ना वो जहांगीर मेरे साथ हेल्प करवा रहा था, इसने बोला कि आज मुझे अपना ऑमलेट खुद ही बनाना है, मैं खुद ही बनाऊंगा। मैं कहा चलो भाई अब तुम आज अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। मैंने अपना ज्यादा फ्राई करा है, बाबा का मैंने कम करा क्योंकि मम्मा ने मना कर दिया था। मैं क्या करता हूँ, अंडों में साजिश, साजिश ही अंडे बनाए। सहरी जो है ना वो हमें आ गई थी, और काफ़ी सारी सहरी जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि सालन भी था, पूरियाँ भी थी और आलू के पराठे भी थे। तो इसीलिए जो है ना मैंने घर में जो सहरी थी ना वो थोड़ी सी कम बनाई थी, और मैंने जो है ना सिंपल बस अपने लिए सैंडविच बनाया था, बच्चों ने अपने लिए ऑमलेट वगैरह बनवाए थे। और फेनियाँ जो होती हैं वो तो कंपलसरी होती हैं, और साथ में जो है ना शाम में आया था पाए का सालन, मेरी सास ने बनाया था तो वो था।
तो माशाल्लाह से दस्तरखान काफ़ी भर गया था। और सहरी का दस्तरखान हो या फिर अफ्तार का हो, दोनों ही वक्तों में जो ना भले हम थोड़ा भी बनाए ना तो अल्लाह पाक जो है इतनी बरकत डाल देता है रिस्क में कि जो दस्तरखान होता है वो भर जाता है, बल्कि हम खुद भी खा रहे होते हैं और इतना बच जाता है कि हम किसी और को भी देते हैं। इस बात को तो मैंने उठाया भी नहीं था, ये बात काफ़ी गहरी नींद सो रहा था, लेकिन वो होता है ना कि हमारे शोर से और लाइट्स वगैरह ऑन हो रही होती है, क्योंकि हम अंदर बैठ के ना सुकून से करते हैं। वैसे डाइनिंग टेबल है लेकिन मुझे नीचे बैठ के खाने में जो ना सुकून मिलता है ना, वो ऊपर बैठ के मुझे नहीं मिल रहा होता। यकीन करें जब से डाइनिंग टेबल ली हुई है ना, बहुत कम हो रहा होता है कि हम लोग बाहर जो ना खाते हैं। तो खैर अभी ये था कि सहरी हमारी माशाल्लाह हो चुकी थी और आराम से जो ना मैंने किचन वगैरह अपना समेटा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्दी सहरी कर ली थी। और उसके बाद जो है मैंने अपना सिपारा भी मुकम्मल कर लिया था, क्योंकि मैं कुरान पाक जो है ना पहले रोज़े से स्टार्ट करती हूँ अपना न्यू, और कोशिश किया करें कि जब भी कुरान पाक पढ़ें तो उसको तर्जुमे के साथ और समझ कर पढ़ें। तो ये होता है कि मेरी जो है ना एक रूटीन बनी होती है कि मैं सुबह एक फजर में कंप्लीट कर लेती हूँ सिपारा, और टाइम मिलता है ना तो अफ्तारी से पहले अगर टाइम मिले तो एक सिपारा जब मुकम्मल करती हूँ, तो मतलब कि एक रोज़े में जो है ना मेरे दो सिपारे मुकम्मल होते हैं। तो एंड ऑफ द मंथ जो होता है ना उसमें एक कुरान पाक जो है मुकम्मल हो जाता है। आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है और इतना हसीन मौसम हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस अभी जो है जोहर की नमाज़ अदा कर रही है, अभी थोड़ा सा जो है घर के जो है वो काम वाम कर लें, और फिर उसके बाद इफ्तारी बनाने जो है ना मैं खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी भागता। मगर मौसम बहुत औसम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हवा है, इसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये मिलाई थी सऊदी से, अच्छा लोबान और ऊद दोनों की खुशबू जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये जो है ना ख़ास मैं मदीने से लेकर आई थी जब मैं उम्रा करने गई थी, तो बस अक्सर मैं जो ना इसकी धुनी देती रही। तो बस अभी मैंने जैसे इसको जलाया था लाइट चली गई थी, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, लाइट जब आएगी तो फिर वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे जो ना बस मैंने अफ्तारी की तैयारी जो करना स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैं शरबत बना के रखती हूँ, हमेशा ही मैं शरबत पहले बनाती हूँ ताकि जब तक अफ्तारी जो बन के रेडी हो ना तो ठंडा होता रहे। और ये वही लेमन क्यूब्स हैं जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा था। यकीन करें इतनी कोई आसानी हो रही थी कि कोई भी जो ना लीमू वगैरह निचोड़ना नहीं पड़ा, बस शरबत मैंने घोला और ये दो क्यूब्स जो है ना मैंने डाल दिया था, बहुत अच्छा फ्लेवर आया था निकल के। तो पुदीने की पत्तियाँ भी थी ना तो काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था पीने में। अब यहाँ पे जो है ना मैं पानी वाले पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए बेसन घोल रही हूँ सिंपल। मैंने इसमें नमक, मीठा सोडा और ये अजवाइन पाउडर जो है ना वो मैं डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि पकौड़े जो है वो डाइजेस्ट आसानी से होते हैं, और पानी वाले पकौड़े जो ना मोस्ट डिमांडिंग होते हैं हमारे अफ्तार के जो ना दस्तरखान पे, बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं और मुझे ख़ुद को भी पसंद है। काफ़ी दफ़ा मैं अपने व्लॉग्स के अंदर जो ना पानी वाले पकौड़े दिखा चुकी हूँ, तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो है फरमाइश की थी कि हमें इसकी रेसिपी दें, फुल रेसिपी दें। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना रेसिपी भी इसकी शेयर करते हैं और साथ ही साथ जो है अफ्तारी में भी इसको जो है बनाते हैं। तो अभी तो खैर मैं चना चाट की तैयारी कर रही हूँ, चना चाट की रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनती है। और ये वही चने हैं जो कि मैंने रमज़ान से पहले फ्रीज़ करके रखे थे। यकीन करें ये जो चीज़ें हम फ्रीज़ करके रखते हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बच रहा होता है। जो बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रीज़ करके क्यों रख रहे हैं उसी वक्त करें, तो आप खुद सोचें कि अगर मैं इसी दिन जो है छोलों को जो है बॉयल करूँ या फिर इसी दिन जो है मैं कबाब बनाने खड़ी हूँ तो कितना ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो लगेगा। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, कुछ चीज़ें जो है फ्रीज़ करी हुई अगर पहले से रखी हुई होती ना तो टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि हमें अपनी भी इबादतें करनी होती हैं, साथ ही साथ ये होता है कि घर वालों के रोज़े होते हैं, माशाल्लाह सब रोज़दार होते हैं, तो सबको जो है अफ्तारी के टाइम पर ये चीज़ें चाहिए होती हैं। खाना बहुत कम लोग होते हैं जो कि एकदम से खाना खा लेते हैं अफ्तार के टेबल पर, वरना ज़्यादातर लोग जो है ना अपने दस्तरखान पर यही चीज़ें जो है वो रखते हैं और इन्हीं से रोज़ा अफ्तार करते हैं, फिर एक से दो घंटे के बाद जो है ना किसी और चीज़ों पे आते हैं, बल्कि बहुत से लोग तो खाना नहीं खाते, डायरेक्ट जो है सहरी ही करते हैं।
तो हमारा भी कुछ ऐसे ही हिसाब किताब चलता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अफ्तारी कर लेते हैं ना तो उस दिन हमारा खाना स्किप हो जाता है और फिर हम डायरेक्ट जो है ना सहरी करते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अभी पानी वाले पकौड़ों की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे इसका पानी में तैयार कर रही हूँ, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज बनता है। एक बाउल में जो है मैंने इमली का जो पल्प होता है वो निकाल दिया था, थोड़ी सी हमें इमली का पल्प चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बड़ी मज़ेदार सी चीज़ दिखा रही हूँ, और ये हींग पाउडर जब भी मैंने देखा था ना तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि चिल्तन प्योर ने जब इसको लॉन्च किया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि पाकिस्तान में ये मिलता नहीं था। तो खैर अब फाइनली जो है हींग पाउडर आ चुका है, अगर आप लोग भी इसको घर बैठे मंगवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो 10 गुड़िया है। अच्छा जी, इमली के पल्प में मैंने जो है थोड़ा सा हींग पाउडर डाला क्योंकि ये हींग का ही पानी बनता है। साथ ही साथ मैंने सोट यानी कि जो पिसी हुई अदरक होती है जिसको हम सोट कहते हैं वो भी डाल दिया। डाइजेस्ट के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहती हैं और बहुत ही खुशबूदार बहुत ही लजीज इसका पानी तैयार होता है। और साथ में ही जो है थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर, जो जीरा मैंने भुना था उसी को मैंने पीस के डाल दिया था। भुने हुए जीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ये जो मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का जो एक क्यूब बना के मैंने रखे थे ना, वो एक क्यूब डाल दिया। अगर आपके पास ये क्यूब नहीं फ्रीज़ हुए हुए तो आप फ्रेशली जो है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को पीस के डाल सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसके पानी का, क्योंकि पानी जो है मेन होता है पानी वाले पकौड़ों की। और मेरे घर में जो ना पानी वाले पकौड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। नीचे मेरे ससुर भी बहुत शौक से खाते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो ये तो हमारी इफ्तारी में बनते बनते हैं। बाकी यहाँ पे जो है ना मैं तरबूज तैयार कर रही थी, जिसको मैं हर साल इफ्तारी के मेन्यू में ऐड करती हूँ कि जब भी तरबूज होता है ना घर में तो छोटे छोटे क्यूब्स बना के रोज़ा डाल के रखें, बहुत ही लजीज लगता है खाने में। हाँ करो करके जल्दी से दो, हो गए बस काफ़ी है। तो आज तो ना मेरे दोनों बच्चों ने जो है ना दो आलू को मुझे इस तरह से कट करके दे दिया था मशीन से, क्योंकि मुझे आलू वाले पकोड़े बनाने थे। लेकिन अभी खैर मैं यहाँ पे पानी वाले पकोड़ों के लिए पकोड़े तैयार कर रही हूँ, जो कि सिंपल जो है मैं इस तरह की शेप दे दूँगी। अच्छा, शेप जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, थोड़ी सी जो है फूली फूली सी भी दे सकते हैं। मैं तो खैर चपटे चम्मच से बनाती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा तो फूले भी नहीं बनते, लेकिन नॉर्मल साइज़ होता है। रोज़ा अफ्तार में जो ना बहुत कम टाइम रह गया था, क्योंकि हम लोगों को नीचे जाना होता है ना, तो अफ्तारी पहले से ही जो है रेडी करके रखनी पड़ती है, क्योंकि नीचे उतरने में भी टाइम लगता है, फिर नीचे जाके भी दस्तखान वगैरह लगता है, तो जो है ना बस देर हो ही जाती है। तो बस अभी मेरे जल्दी जल्दी से हाथ चल रहे थे, मैंने कहा भाई मुझे जल्दी जल्दी काम करने दो, बच्चे बार बार आके जो ना बीच बीच में बातें कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, तो टाइम जो है ज़्यादा लग रहा होता है। क्योंकि ये बात का रोज़ा नहीं होता तो खैर ये होता है कि इसके भी खाने को देखना पड़ता है, इसको देखना पड़ रहा होता है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, पकौड़ों को निकालने के बाद जो है ना हमें पानी में पहले सादे पानी के अंदर इस तरह से डिप करना है तकरीबन 5 मिनट तक, और जब ये सारा एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी जो है ना इसमें काफ़ी हद तक ये सॉक कर लेंगे, तो उसके बाद फिर इनको जो है इनका जो अपना पानी है ना, जो कि मैंने अभी आप लोगों को रेसिपी दी है, फिर उस पानी के अंदर इनको ऐड करना है। यहाँ पर आलू वाले पकौड़े बन रहे हैं, प्याज और हरी मिर्चों के पकोड़े नहीं बना रही थी, सिंपल जो है बस ये पानी के पकोड़े बने थे और आलू के पकोड़े बने हैं, क्योंकि फिर अगर मैं प्याज और हरी मिर्च के बनाते ना तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था। तो काफ़ी सारे मैंने बनाए क्योंकि मुझे पता है कि नीचे भी सब शौक से खाएंगे, हम लोग भी शौक से खाएंगे, तो ये होता है कि ये तो डिश भर के हमारे जो है बनते हैं। तो माशाल्लाह से ये तक की तैयारी जो है ना बस अभी एंड पर ही चल रही थी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मैं हाथ चला रही थी क्योंकि हस्बैंड बार बार कह रहे थे कि बस अफ्तार जो है वो होने वाली है। और ये कचौरियाँ जो है ना जब रात में ऐलान हुआ था ना कि चांद दिख गया है, तो उसके बाद बस मैंने थोड़ी सी बना के रखी थी। अच्छा, रेसिपी मैं आप लोगों को दे नहीं सकी क्योंकि बहुत झटपट से मैंने बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ बात जहांगीर की फरमाइश पर, क्योंकि जहांगीर ने फरमाइश करी थी कि मुझे जो है कल अफ्तारी में कचौरियाँ खानी है। तो बस बिना वीडियो शूट किए जो है ना मैंने ये रेसिपी जल्दी जल्दी बना ली थी, क्योंकि वीडियो अगर बनाने बैठो ना तो टाइम फिर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है और टाइम मेरे पास इतना था नहीं, क्योंकि बच्चों को भी सुनाना, तो एक आध दिन में ये कि टाइम मिलता है ना तो फिर दोबारा से कचौरियाँ बनाऊंगी और फिर रेसिपी आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन खाने में जो ना कचौरियाँ बहुत ज़्यादा सबको अच्छी लगी थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो खैर काफ़ी फूली फूली सी जो है ना ये कचौड़ियाँ यहाँ पर तैयार हो रही हैं और गर्मा गर्म जो है ना बस मैं बना रही थी, लेकिन टाइम जो है ना अभी बस बहुत ज़्यादा कम था, तो जल्दी जल्दी मेरे यहाँ पे हाथ चल रहे हैं क्योंकि नीचे जाना होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम हमें पहले जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी कर लें नीचे उतरने में जाने में जो है थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है। अगर ऊपर होता है तो ये कि बस आपको अंदर ले जा के चीज़ें रखनी होती हैं, लेकिन तीसरी मंजिल से जो है बिल्कुल आपको ग्राउंड फ्लोर पर उतरने में जो है टाइम लग रहा होता है। और तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है ना अफ्तारी को जो डिश आउट कर रही हूँ
और सब चीज़ों को निकाल रही थी। अच्छा ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा मेरे काम आ रही थी जो कि मैं लेकर आई। कोई भी चीज़ हम नई ऐसी ला रहे होते हैं ना किचन की तो वो बेकार नहीं जा रही होती, काम आ ही रही होती है। और अच्छा लगता है कि अफ्तारी जो नए नए बर्तनों में हम सर्व करें, और बर्तन यही है कि हम अपने लेके जाते हैं। और इसी वजह से क्योंकि नीचे मेरी सास होती हैं तो अच्छा नहीं लगता कि वो भी रोज़े से होती है, उनका भी रोज़ा होता है, तो हम अपने सारे बर्तन जाएँ खाएँ और ऐसे छोड़ के आ जाएँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, मगरिब पढ़नी होती है। तो इसमें आसानी रहती है कि मेरी जेठानी भी हम सब जो है अपने अपने ले जाते हैं, और फिर ये है कि किसी एक पर जो ना बर्डन नहीं जाता कि भाई एक ही जो है वो बर्तन इतने सारे दो, क्योंकि अफ्तारी के बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस अभी हम लोग जो है सब एक साथ अफ्तारी करेंगे, और हर साल ही जो है माशाल्लाह हमारा ऐसे दस्तखान नीचे ससुराल में लगता है, और जब से मेरी शादी हुई है ना तो हम सब साथ एक साथ ही जो है ना वो अफ्तारी करते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबके घरों में ऐसी खुशियों का दस्तखान बिछाए रखे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।